4 फरवरी 2018 को आयोजित होगा राष्ट्रीय पोलियो दिवस। प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां भी हुई रवाना। 2100 बूथों पर पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। देश भर में 4 फरवरी को राष्ट्रीय पोलियो दिवस आयोजित होगा। अजमेर में भी इसकी तैयारी हो चुकी है। शहर में 2100 बूथों पर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां भी रवाना हो चुकी है। 4 फरवरी 2018 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के लिए आज अजमेर शहर के लिए 10 प्रचार रथों को अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि माथुर द्वारा रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर, जिसमें डॉक्टर जी सिसोदिया जोन डायरेक्टर डॉक्टर के सोनी सी एम एच ओ उपस्थित थे। और अजमेर जिले में 0 से 5 साल के कुल 4,60,000 बच्चे हैं, जिसके लिए हमने 21 बूथ बनाए हैं और 6,000 मैन पावर पर डे काम करेगा। पूरे शहर को कवर करने और ग्रामीण क्षेत्र कवर करने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना तैयार की है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं और सभी जगह वैक्सीन और लॉजिस्टिक पहुंचा दिए गए हैं। अजमेर के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अपने बच्चों को 0 से 5 साल के बच्चों को पहले दिन बूथ पर लाएँ और एक राष्ट्र निर्माण की भागीदारी होना सहयोग प्रदान करें। सर, क्या तैयारी हो चुकी है आपकी अब तक? इसके तहत हमने सभी ब्लॉक्स पे प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे पूर्ण हो चुके हैं और सभी को वैक्सीन प्रचार सामग्री सभी ब्लॉक्स पे और सभी CSC PSC पहुँचा दी गई है। और इन्हीं तैयारियों के निरंतरता में आज हमने अजमेर शहर में प्रचार के लिए 10 जो प्रचार रथ रवाना किए हैं। सर, आपका परिचय? डॉक्टर रामलाल चौधरी, RCHO अजमेर।